Class 9th NCERT book exercise 11.2 question number 2. Construct a triangle ABC in which BC is 8 cm, angle V is 45 degree and AB minus AC is 3.5 cm. मतलब इसमें बेस होने वाला है BC 8 cm, angle V is 45 degree. अब सॉल्व करते हैं. इसमें हमें 8 सेंटीमीटर का BC ड्रॉ करना है. एंड अदर पॉइंट को सी, बीच में 8 सेंटीमीटर लिख देंगे. अब यहाँ पर हमें 45 डिग्री बनाना है एंगल बी. एंगल का फर्स्ट आर्क 60 पे लगेगा और 60 का बाई सेक्टर होता है 30, और 30 और 60 के बीच में बनेगा 45 डिग्री. तो फर्स्ट आर्क 60 पे लग गया, 60 का बाई सेक्टर बना ले रहे हैं. अब हमें 45 डिग्री बनाना है, तो 30 और 60 के बीच में 45 डिग्री बनेगा. ये हमारा हो गया 45 डिग्री. अब इसमें लिखा हुआ है ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर. मतलब इस बीच, इस दोनों के बीच का डिफरेंस है 3.5 सेंटीमीटर. तो हम 3.5 पे आर्क लगाते हैं. 3.5, बिकॉज अगर 3.5 अगर बाहर निकाल दे तो ए बी और ए सी तो इक्वल हो जाएगा. सो हम पहले 3.5 पे आर्क लगा कर ज्वाइन करेंगे. इसका हम डी नाम डाल दें. अगर हम बाइसेक्टर बनाना है डी और सी का, डी और सी का बाइसेक्टर. ये जहाँ पर ज्वाइन टच होगा वहाँ से हमें ज्वाइन कर देना है. यही हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा. अब हमें ये बता रहा है ए बी माइनस ए सी इज 3.5 सेंटीमीटर. तो ए बी हम देखते कितना है, ए 11.8 के आसपास, और ए सी 8.3. अब हम इसे माइनस करते हैं. ये हुआ ए बी माइनस ए सी, तो माइनस करेंगे तो 5. हमारा आंसर सही है.